अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, और वो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक। तो क्वेश्चन नंबर 21 में जरा देखिएगा, लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड को इक्वल करना है राइट साइड के। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो साइन क्यूब थीटा है, लेफ्ट साइड जो है उसको मैंने पिक किया, और ये साइन क्यूब है थीटा है। क्यूब का मतलब है यहां पर तीन साइन मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, एक साइन को मैंने सेपरेट किया और दो साइन को मैं सेपरेट कर सकता हूं, ठीक है। अब ये साइन थीटा जो है ये एज इट इज रहेगा, और हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करें, अगर यहां पर ये जो साइन थीटा है मैं इसको यहां भी मल्टीप्लाई करूं और इस वैल्यू को मैं यहां भी मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा को जब कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा cos square थीटा। और आप अगर राइट साइड में देखें तो यही चीज लिखी हुई है, sin थीटा माइनस sin थीटा cos square थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, और इसमें लिखा हुआ है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, और ये इक्वल है cos square थीटा माइनस sin square थीटा के। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को मैंने पिक किया जो कि cos 4 थीटा में है, उसके बाद ये पावर 4 थी, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है। तो मैंने क्या किया, इस 4 को मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सेम मैंने साइन के साथ भी यही किया, साइन 4 थीटा को लिखा है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखिएगा, ये वही फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। बच्चे यहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर भी स्केयर है, तो आपने माइंड में क्या रखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है ना, ये एक कंप्लीट वैल्यू है, और यहां सेकंड वैल्यू जो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट है ये एक नंबर है। तो क्या होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो हमें पता है कि जो पहले वाली ब्रैकेट है उसे लिखेंगे, फिर आपने क्या करना है, जो दूसरी ब्रैकेट है उसको लिखेंगे और एक बार प्लस में, और फिर यहां पे क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने लिखा, सेकंड ब्रैकेट को लिखा, और दरमियान में माइनस, यानी कि वही फॉर्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट जरा देखिएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, यानी कि हमने पढ़ा था साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, और वो किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल होता था। तो इस वैल्यू की जगह मैंने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये वाला फंक्शन सेम एज इट इज है। अब हम इस पूरे फंक्शन को, इस कंप्लीट वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो आप जरा राइट साइड को देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, क्वेश्चन नंबर 23 और ये जो 24 है यहां से स्टार्ट किया, तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने माइंड में रखनी है, और अभी मैं वो आपको क्लियर भी कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देखें तो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने यहां से जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है उसको पिक कर लिया है। अब यहां पर हम एक रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे जो कि 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा हुआ है, इवन आपने सेकंड जो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है आयोटा वाला, वहां भी वो पढ़ा हुआ है। उसमें आप लोगों को सिखाया गया था कि रैशनलाइजेशन कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाए या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाए। तो आप देखें जरा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में है, मुझे ये स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो इसका तरीका वहां ये बताया गया था कि अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, यानी कि आपको बताया हुआ है कि रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। लेकिन यहां हम करेंगे रैशनलाइजेशन ही, लेकिन रूल जो है हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। मतलब हमारी गिवन रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये देखना होता है कि हमें बनाना क्या, मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस में याद रखना है कि जो चीज चाहिए होती है आपने उससे मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। मसलन अगर रूल के मुताबिक देखा जाए तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए था, डिवाइड भी करना चाहिए था। लेकिन यहां पर मैंने बताया जो चीज मुझे रिक्वायर्ड है उसमें 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो आपने राइट साइड पे देखना है चाहिए क्या, मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। ये वैल्यू स्क्वायर रूट में थी तो ये भी स्क्वायर रूट के साथ ही आपने मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखिएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी,
क्योंकि दोनों स्केयर रूट में है तो हम अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला। तो एक बार वैल्यू प्लस में हो, एक बार माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस जो सेकंड वाली वैल्यू थी उसका स्केयर। और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा सेम है। जब सेम वैल्यूज हो तो होल स्केयर बन जाता है। तो ये मैंने स्केयर रूट लिखा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्केयर कर दिया। और यहां मैंने एक और काम किया कि न्यूमिरेटर का स्केयर रूट सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर का मैंने सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, 1 का स्केयर जो है वो 1 ही होता है, और कॉस स्केयर थीटा को एज इट इज लिखा। यहां पर जब होल स्केयर बना तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट तरह देखिएगा, स्केयर रूट को हम एज इट इज लिखेंगे, और ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्केयर थीटा के इक्वल होता है। तो ये साइन स्केयर थीटा आ गया, और डिनोमिनेटर जो है वो बेटा एज इट इज आ गया। अब यहां पर स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, बाकी बचा साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए, जो चीज मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए था साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा बन चुका है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, यहां लिखा हुआ है स्केयर रूट सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1, और यहां मुझे क्या बनाना है, मुझे चाहिए सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। तो मैं अगेन लेफ्ट साइड को पिक करूंगा, लेफ्ट साइड को मैंने पिक किया। अब आप देखें, फिर गौर से जरा देखें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीकेंट थीटा प्लस 1। तो मैं क्या करूंगा, सीकेंट थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, वैल्यू स्केयर रूट में लिखी हुई है। अब देखें सीकेंट थीटा प्लस 1, और यहां भी देखिएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 सेम है। तो हम क्या करेंगे, सीकेंट थीटा प्लस 1 का होल स्केयर, और डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार वैल्यू नेगेटिव है और एक बार पॉजिटिव है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर और उसके बाद माइनस सेकेंड वैल्यू जो है उसका स्केयर। 1 का स्केयर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन कर लेते हैं, यहां पर 1 का स्केयर आ गया, ठीक हो गया। अब देखिएगा, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 स्केयर, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें आपने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। अगर उसको मॉडिफाई कर लें तो सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 जो है वो टेन स्केयर थीटा के इक्वल आ जाता है। ये यहां पे मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा। अब जरा देखिएगा, अगर ये टेन स्केयर थीटा अपनी जगह पे ही है और सीकेंट स्केयर थीटा भी अपनी जगह पे है, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 बन जाता है, मतलब सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टेन स्केयर थीटा। तो बेटा ये सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 की जगह मैंने क्या लिखा, टेन स्केयर थीटा। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, बाकी बचेगा सीकेंट थीटा प्लस 1, और डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चीज हमें चाहिए थी, सॉरी यहां पर है सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा, ये आ गया सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो है वो एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी से इसकी समझ आई होगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो आप लोग कर सकते हैं। मेरी कोशिश रही है कि मैं कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा चीजें कवर करवाऊं। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। If you leave, baby, let me down.